स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में नानकमत्ता किसानों ने मंडी गेट पर किया धरना प्रदर्शन। नानकमत्ता में धान की बोली ना होने से नाराज किसानों ने मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि कच्चे आढ़तियों द्वारा मनमानी रूप से धान की कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार ने जो धान खरीद के लिए मानक रखे हैं, उसके अंतर्गत किसानों के धान खरीद की जी जाए। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। तोल यहाँ पर एक तरीके से शुरू हो चुकी थी, लेकिन बीच बीच में जो है कहीं ना कहीं राइस मिलर और जो है हमारे किसान भाई हैं तो थोड़ी जैसे माल गीले आ रहे हैं तो उन पर थोड़ी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बारिश की वजह से माल जो है कहीं ना कहीं गीले हो जा रहे हैं, कहीं दागी हो जा रहे हैं। और राइस मिलर भी जो है कहीं ना कहीं वो चाह रहा था कि नहीं मैं अच्छा माल लूँ, जो हल्का माल है मैं ना लूँ। तो इस पे जो है राइस मिलर को भी जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों के माल अगर कहीं ख़राब हो गए थोड़े तो राइस मिलर को भी निभाना पड़ेगा। तो उसी पे लेके थोड़ा सा यहाँ पर कुछ विवाद हो गया था, लेकिन उस विवाद को जो है अभी हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा जो है खरीद शुरू हो जाएगी। और हम लोगों ने राइस मिलर से अभी बैठ के बात हुई है और उनको भी हम लोगों ने कहा है कि ये जो है किसान का धान जो है वो अगर अच्छा माल आ रहा है तो उसमें जो है आप कटौती नहीं करेंगे। ये जो है यहाँ पर अभी बात चल रही है और इस पर सहमति जो है अभी बन जाएगी, क्योंकि अच्छे माल जो है कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट की कि हाँ धान ये खराब है तो उस पे जो है जो भी जायज कटौती है वो होनी चाहिए, वो ज्यादा कटौती नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात को लेके जो है विवाद हो गया था अभी, लेकिन जो है अभी समझाने की कोशिश की जा रही है, इस पे वार्ता चल रही है।